आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा है एट व्हाट इंटरवल्स जूमिंग कैन बी हार्मफुल टू फॉरेस्ट। तो जूमिंग का मतलब क्या होता है और कितने इंटरवल में अगर हम जूमिंग करते हैं तो ये हार्मफुल होगा फॉरेस्ट के लिए। जूमिंग का मतलब क्या होगा कि लैंड इज क्लियर बाय बर्निंग द वेजिटेशन। लैंड जो है वो होगा अंडर फॉरेस्ट और ये क्लियर किया जाएगा क्लियर बाय बर्निंग ऑफ वेजिटेशन। तो जो भी वेजिटेशन फॉरेस्ट में प्रेजेंट है उसे अलग अलग पर्पज़ के लिए इसे बर्न किया जाता है। सबसे मतलब जो हम एंशियंट पीरियड ऑफ टाइम से जो बर्निंग ऑफ वेजिटेशन किया जाता है वो फार्मिंग के लिए किया जाता है। तो यहाँ से लैंड क्या किया जाता है, क्लियर किया जाता है, वहाँ पे फार्मिंग किया जाता है और कुछ टाइम के बाद वहाँ से वो लैंड छोड़कर नेक्स्ट जगह जूमिंग किया जाता है। तो ये प्रोसेस चलती है, जो ट्राइब्स होते हैं वो लोग ज़्यादातर ये चीज़ें करते हैं। तो देखिए, ये बर्निंग ऑफ वेजिटेशन ये करना ठीक है, लेकिन वापस जब यहाँ पे से ये एरिया हम लीव करते हैं तो यहाँ पे रीप्लांटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप रीप्लांट करते ही भी हो या फिर नेचुरली वहाँ पे फिर से फॉरेस्ट बन सकता है, नेचुरली फॉरेस्ट बन सकता है, लेकिन आप ये जूमिंग एक ही जगह पे लेस देन टेन ईयर्स इस इंटरवल में बार बार अगर करते हो तो फिर वो एरिया बैरन हो जाएगा। तो ये हार्मफुल होगा फॉरेस्ट के लिए अगर आप 10 ईयर्स के अंदर ही जूमिंग करते हो। प्लांट्स को मिनिमम 10 ईयर्स हमें अलाउ करना है ग्रो होने में और उसके बाद आप उसे निकाल सकते हो और वापस वहाँ पे रीप्लांट कर सकते हो, उसका यूज़ कर सकते हो। तो लेस देन 10 ईयर्स ये इस पीरियड में अगर हम जूमिंग करते हैं तो ये फॉरेस्ट के लिए हार्मफुल हो सकता है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।